सीएम हाउस जो आप बोलते हो ये गटर हाउस है, ये घटना बहुत ही खतरनाक घटना है, बहुत बड़ा एक स्कैंडल है। उसकी जान को खतरा है, स्वाति की जान को, उसको डराया धमकाया गया है, वरना कोई ऐसे फोन नहीं करेगा पुलिस को, थाने में से वापस नहीं आओगा। पूर्व पत्नी का मामला होता ये तो अब तक जो हाथ स्वाति पे उठाया वे हाथ टूट चुके होते, और जिसने आदेश दिया, जिसने अपनी जुबान से आदेश दिया, उसकी जुबान निकाल चुके होते हैं। और स्वाति को बाहर निकल के आना चाहिए, वो झांसी की रानी है, मर्दानी है, वो डर नहीं सकती। दिल्ली सीएम हाउस जो आप बोलते हो ये गटर हाउस है, पहली बात तो ये, और ये घटना बहुत ही खतरनाक घटना है, बहुत बड़ा एक स्कैंडल है। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी FIR होनी चाहिए, क्योंकि उसके घर में हुई है, और जिसने भी ये की है उसकी औकात नहीं है ये घटना करने की, और उसकी जान को खतरा है, स्वाति की जान को, क्योंकि उसको डराया धमकाया गया है, वरना कोई ऐसे फोन नहीं करेगा पुलिस को, थाने में से वापस नहीं आओगा। अभी भी उसकी आवाज दबाई जा रही है, चुप किया जा रहा है, और मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये मेरी पूर्व पत्नी है, इसका मामला नहीं है। मेरी पूर्व पत्नी का मामला आएगा तो तब अगर ऐसा होगा तो मैं आपको इतना बताऊं, ये मामला लाखों महिलाओं का है। पूर्व पत्नी का मामला होता ये तो अब तक जो हाथ स्वाति पे उठाया वे हाथ टूट चुके होते, और जिसने आदेश दिया, जिसने अपनी जुबान से आदेश दिया, उसकी जुबान निकाल चुके होते हम। ये मामला मेरा व्यक्तिगत नहीं है, तो इसलिए मैं देश का गृह मंत्री से भी, दिल्ली पुलिस महिला आयोग जो नेशनल है उनसे भी, उनकी भी चुप्पी मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा है। ये ना हो कल न कि स्वाति एक्सीडेंट हो गया स्वाति का, या स्वाति ने और कुछ कर लिया। बहुत गहरा मामला है, एक सांसद है, मुझे लगता है कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और स्वाति को बाहर निकल के आना चाहिए। वो झांसी की रानी है, मर्दानी है, वो डर नहीं सकती। अब कौन सा उसके ऊपर अब प्रेशर डाला गया है मुझे नहीं पता, मैं ये मान नहीं सकता, या मैं नहीं, कोई भी ये नहीं मान सकता जिसने लाखों महिलाओं की आवाज उठाई। अब कौन है साथ, और ये जो दोगले है ना, जो मतलब एक टाइम पे इनको महिला सम्मान याद आ जाता है, दूसरी तरफ उसी घर में मारपीट होती है, तो वो गटर हाउस जो है उसके अंदर बहुत गंदगी है और वो बहुत बदबूदार है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, इसका पूरे मामले का आना चाहिए, और स्वाति को सामने आके सच्चाई बतानी चाहिए, नहीं तो देश की लाखों महिलाओं को एक गलत एग्जाम्पल ये जाएगा, और स्वतः संज्ञान दिल्ली पुलिस को लेना चाहिए कि भाई इतनी बड़ी घटना होगी, दिल्ली पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही, मेरे को तो समझ में नहीं आ रही। आपने स्वाति से बात की है इसके बाद? नहीं, मेरी 2020 में मेरा तलाक हो चुका है, और पिछले 4 साल तक मैंने कोई बात नहीं की। मेरी, मैंने आपको बता दिया, मेरी पूर्व पत्नी का मामला नहीं है, ये एक महिला का मामला है, एक ये महिला सांसद का मामला है, ये एक मुख्यमंत्री हाउस जिसको बोलते हैं, उस गटर हाउस के अंदर हुआ है ये, तो वहां पहली बात यह है कि जिसके घर में होता है, तो पुलिस अगर सामान्य आदमी की अगर ये घटना होती तो उस घरवालों को उठा लेते, उस घरवालों को मतलब घर पर ताला लगा देते, तो मुख्यमंत्री के ऊपर क्यों नहीं होगी FIR? तो जांच पड़ताल तो करो, किसने करवाया, ये तो है ना कि वो उसका घर है, इतना तो है, किसने किया है, किसने नहीं किया, ये तो वो खुद आगे सामने बताएगी। और वो जब मतलब हमसे, हमें नहीं कह रहे, हम तो एक नॉर्मल आदमी होने के नाते की बात कर रहे हैं, हमसे अगर हेल्प मांगी जाएगी तो हम तो करेंगे, हम नहीं, पूरे लोग तैयार हैं इस बात के लिए कि ये बहुत बड़ी घटना हुई है, बहुत गलत हुआ है, इंडिया का बिग स्कैंडल है, और इसको मैं बता रहा हूँ आपको। वो बोल लेगी उसके बाद ही सारा बताना का, तो तभी अभी तो मैं सारी बात की बता सकूँ, क्योंकि मैं 2008 से इन लोगों को जानता हूँ। अन्ना आंदोलन का कोर कमेटी का सदस्य रहा है नवीन जैन, जेल में अन्ना जी के साथ जेल में हम 4 लोग ही थे जब गए थे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं उस पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव का रहा हूँ, मैं हरियाणा का अध्यक्ष रहा हूँ, तो मेरे से ज्यादा इनको कोई नहीं जानता होगा। तो मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है, जब व्यक्तिगत मामला आ जाएगा तो फिर अलग मामला है, फिर हमारा अपना सिस्टम है, मैंने किसी सिस्टम की जरूरत नहीं है जब बात व्यक्तिगत पर आओगी तो। संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री इस मामले में कार्रवाई करें। क्या करें यार, संजय सिंह क्या है, संजय सिंह खुद कैसे राज्यसभा गया है मुझे पता है ना, और ये बात संजय सिंह को पता है वो कैसे गया है, वो तोता है यार, वो केजरीवाल का तोता है, कुछ भी नहीं है। क्या है संजय सिंह, ये सिर्फ लिपा पोती है, और अच्छी तरह उसको पता, संजय सिंह को पहले इस घटना का पता था कि ये होगी, उसको अब पूरा पता है क्या क्या हुआ है, ये सब झूठा एक्टिंग कर रहा है वो, एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं कर रहा, ये और कुछ नहीं है, ये मतलब कोई बीजेपी कांग्रेस से का मामला थोड़ी है, या आम आदमी पार्टी का मामला थोड़ी है यार, ये मैं कह रहा हूँ, संजय सिंह की आत्मा अगर है थोड़ी बहुत भाई, तो उस आत्मा को जिंदा रख, थोड़ी बहुत शर्म बची है, उसने मत बेच है। एक महिला, तू तो छोटी बहन का यार था, स्वाति तो मेरी छोटी बहन है, अरे तेरी बहन के साथ मारपीट होगी,
तेरी बहन के साथ तो मारपीट होगी और तूने कार्रवाई करेगा। हाई कोर्ट लाग रहा है तू, सुप्रीम कोर्ट लाग रहा है, थाना है, एसपी है, डीसीपी है, के है, कई कार्रवाई। कार्रवाई ये है कि एफआईआर बोल, एफआईआर होनी चाहिए उस घर में जो जो उस टाइम पर आदमी थे उन पर एफआईआर होनी चाहिए जब ये घटना हुई है जहां पर।